हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है राजस्थान पुलिस की तरफ से। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें कुल 4438 काफ़ी अच्छे पद हैं। इस पर भर्ती जो है राजस्थान पुलिस ने निकाली है। कांस्टेबल के पद हैं जिसमें ड्राइवर के भी हैं, बैंड के भी हैं, और भी टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी सारे पद इसने निकाले गए हैं। तो इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती निकली है इसकी डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। इसके जो आवेदन है वो 10 नवंबर से शुरू होंगे, ठीक है। तो इसमें जो योग्यता वगैरह है सब हम इस डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, उम्र क्या रहेगी, ठीक है, एग्जाम फीस क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, पूरा सब कुछ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान पुलिस जॉब 2021 निकल कर आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब बंद होंगे और एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, इसके एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 10 नवंबर को, ठीक है, यानी कि 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं 2021 से, ठीक है। इसके 3 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, ठीक है। इसके बाद जो है इसका ऑफलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपका होगा जनवरी 2022 में, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है जनवरी 2022 में, जहाँ तक है आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो अभी आपके पास मात्र 2 महीने ही बचे हैं, तो लग जाइए बिल्कुल तैयारी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। टोटल पद देख लेते हैं, कितने क्या पद हैं, कौन कौन सी वैकेंसी पे पद हैं, क्या क्या उसके लिए योग्यता मांगी गई है, ठीक है। तो देखिए, कुल 4438 जो है पद निकले हैं टोटल, जिसमें कांस्टेबल जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के जो पद निकले हैं वो निकले हैं आपके 4161। उसकी जो योग्यता है वो अगर आप 12वीं पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद कांस्टेबल टेलीकॉम मांगा गया है, यानी कि जो रेडियो वगैरह के विभाग होते हैं उसमें देखिए 154 पोस्ट उसमें निकली हुई हैं। इसमें भी 12वीं योग्यता मांगी गई, बट इसमें फिजिक्स या मैथ्स या कंप्यूटर आपका 12वीं में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट निकली है, जो कि 100 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको 10th या 12th इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट तो लिखा नहीं है, 10th या 12th होना चाहिए बस। इसमें ये बताया कि आपको 1 साल का ओल्ड लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि 1 साल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का, ठीक है। इसके बाद कांस्टेबल बैंड, जो बैंड वाले होते हैं कांस्टेबल में, उसके लिए 23 पद हैं, जिसमें 10वीं से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वैकेंसी की, कौन कौन से वैकेंसी निकली है, किस किस पोस्ट पर कितनी कितनी निकली है और क्या क्या योग्यता मांगी गई है। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब फीस की हम बात कर लेते हैं। तो फीस देख लीजिए क्या रखी गई है। तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट्स के, यदि आप किसी भी स्टेट से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको 500 रुपये रखी गई है जनरल ओबीसी, और अगर आप जनरल ओबीसी और अदर स्टेट्स हैं और अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो आपके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। वहीं एस सी एस टी के लिए भी 400 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है इसका देख लेते हैं, एज क्या मांगी गई है इसके लिए, ठीक है। तो देखिए, एज की जो आपकी गणना है वो 1 जनवरी 2022 के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। 1 जनवरी 2022 को आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और अगर मैक्सिमम है तो अगर मेल की हम बात करें तो 24, फीमेल की हम बात करें तो 29 होना चाहिए। वहीं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मेल के लिए 27 हो जाती है मैक्सिमम एज और फीमेल के लिए 32 हो जाती है। अगर आपकी उम्र इनके तहत है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि राजस्थान में भर्ती निकली हुई है पुलिस की, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी काफ़ी 2 वर्ष तक तो आपको जो है नॉर्मल सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, 14,600 रुपये, ठीक है, जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही होगी उस समय। इसके बाद जैसे ही आपकी पक्की हो जाती है जॉब, वैसे तो पक्की है, ठीक है ना, वरना ज्वाइनिंग वगैरह मतलब ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसके बाद आपको लेवल 5 की जो है यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। ये आपका जो है 7वें वेतन आयोग के तहत आपको दिया जाएगा। तो सैलरी तो काफ़ी अच्छी है, पर 2 साल के बाद, ठीक है। इसके बाद चलिए फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आपको जो है फिजिकल मापदंड आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। हाइट देख लेते हैं, हाइट कितनी मांगी गई। तो अगर आप मेल हैं तो 168 सेंटीमीटर किसी भी कैटेगरी से, फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी इससे कम है तो फॉर्म ना भरें, और ज़्यादा है तो भर ही सकते हैं, ठीक है। चेस्ट देख लीजिए, फीमेल की तो मांगते नहीं है चेस्ट, मेल की मांगी जाती है, जो कि 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुला के है 86 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बीच आपकी चेस्ट तो आप फॉर्म भर दिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो है पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग कराई जाएगी, 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग रहेगी। अगर आप मेल हैं तो 25 मिनट दिए जाएंगे, फीमेल है तो आपको 35 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लेते हैं हम, क्या रहेगा, यानी कि आपका पेपर कैसा होगा, किस आधार पर होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, ये सारी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये हम बताने वाला हूँ मैं आपको। तो उससे पहले अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो उसके लिए आप हमारे जो है कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसके लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें दिखा देता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और एग्जाम पैटर्न है वो क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ऑफिशियल नोटिस है जो कि आपको राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 29 अक्टूबर को ये जारी किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए 4438 जो है पदों पर भर्ती ये निकाली गई है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम। ठीक है, इसमें देखिए उसकी आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 10/11/2021 से 3 दिसंबर तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पर बोला गया कि आपकी जो ऑफलाइन परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी जो कि दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक वो जनवरी में ही जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से आप जो है भर सकते हैं आवेदन को। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसका पेज देख लेते हैं, सेकंड पेज। ठीक है, तो सेकंड पेज में आपको मैं दिखा देता हूँ क्या बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा फीस के बारे में बताया गया है कि परीक्षा आपकी जो फीस है वो कितनी रहेगी। देखिए तो यहाँ पर 500 रुपये रहेगी आपकी जो है जनरल है, ओबीसी है और आपका जो क्रीमी लेयर वाली ओबीसी है उनके लिए। ठीक है, और अगर आपके पास 2.5 लाख से इनकम कम है तो 400 रुपये योग किया मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एससी एसटी है तो आपके लिए 400 रुपये रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र आपका जो है ये आपकी वेबसाइट पर या आपकी जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए भर्ती हेतु रिक्त पद, ठीक है, यहाँ पर पूरे बताए गए हैं मतलब किस तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरी जो है जानकारी दी गई है कि मतलब किस किस आपके जो जिले हैं जितने भी राजस्थान में वहाँ पर किस जिले में कितनी भर्ती है। तो आप जब भी फॉर्म भरें तो इसको जब आपको जिले अप्लाई करें तो आप इसमें देख के जो है जिले अप्लाई कीजिएगा किस जिले में कितनी ज़्यादा भर्ती है। ठीक है, कॉन्स्टेबल सामान्य की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सारा आपको भर्ती मिल जाएंगी। ठीक है, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये भर्ती हेतु योग्यता या छूट, यानी कि जो आपकी कौन सी क्लास मतलब 10th है 12th है ये क्या क्या मांगा गया है भर्ती के लिए वो इसमें बताया गया। ठीक है, जिला पुलिस के लिए देखिए आपको देखिए 12th पास 12वीं पास होना चाहिए और RAC बटालियन बैंड सहित बैंड वालों के लिए 10वीं आपको उत्तीर्ण चाहिए और टेलीकॉम के लिए आप ठीक है वही 12वीं पास होना चाहिए पर भौतिक विज्ञान गणित या कंप्यूटर में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता दिया है फिर भी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर हैं तो देखिए आपको एक वर्ष का पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जो कि लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको यहाँ पर देखिए ये आप जो मैंने एज आपको लिमिट बताई थी वो मैंने यहाँ से कैलकुलेट करके बताई थी, आप इसे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी आयु सीमा वाले सेक्शन में। ठीक है ना, आप देखिए कांस्टेबल चालक के लिए और ये सामान्य के लिए अलग अलग दिए जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपको शारीरिक मापदंड भी मैंने बता दिया था कि हाइट 168, फीमेल के लिए 152, 81 से 86 सीना 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए वजन मांगा गया है जो कि है 47.5 यानी 47.5 किलोग्राम को वजन हो चाहिए और पुरुषों के लिए यह लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए चिकित्सीय मापदंड भी है, कुछ मेडिकल वगैरह है तो मेडिकल के लिए देखिए यहाँ पर आपकी 6x6 आई होना चाहिए। ठीक है, और मतलब यहाँ पर देखिए मानसिक रूप से जागरूक मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए तो बाद की प्रोसेस है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद की। ठीक है, तो आप पढ़ दीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जाम प्रोसेस क्या रहने वाली है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के -25 एवं राजस्थान पुलिस के नियम दिया गया है। परीक्षा के सभी चरणों के कुल अंक कितने, 200 टोटल आपकी 200 अंक की परीक्षा होगी जिसमें देखिए कांस्टेबल के लिए रखा गया और दूरसंचार और जो कांस्टेबल GD होता है उसके लिए, चालक के लिए भी 150, बैंड के लिए आपका कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होने वाली है। ठीक है, 150 का एग्जाम होगा रिटर्न, ये भी रिटर्न होगा, लिखित परीक्षा होगी ऑफलाइन। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जो कि सभी के लिए होगी, कांस्टेबल और टेलीकॉम के लिए 30 नंबर, बाकी के लिए 20-20 नंबर के। ठीक है, दक्षता परीक्षा फिर से होगी जो कि यहाँ पर लागू नहीं है और कांस्टेबल चालक के लिए आपकी होगी 30 की और बैंड के लिए 30 की 30 नंबर की होने वाली है। ठीक है, होमगार्ड अगर विशेष हैं आप NCC वगैरह से तो यहाँ पर 20 नंबर का होगा आपका, टोटल 200 रहेगा, 200 रहेगा। ठीक है, और बैंड के लिए आपका टोटल 50 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा जो है आपकी 150 अंकों की होगी जिसमें एक प्रश्न जो है एक अंक का होगा, अगर आप गलत करते हैं तो आपका 25% नेगेटिव यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। देखिए तो आपका 60 नंबर का 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के जो कि आपका रीजनिंग रहेगा और कंप्यूटर रहेगा, रीजनिंग और कंप्यूटर को मिला के 60-60 अंक रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हम अपने चैनल पर जो है आपको कंप्यूटर से जुड़ी क्लासेस करवाएंगे वहीं से आपको जो है कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलने वाले, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपसे, विज्ञान पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो सेक्शन है उसमें मतलब लॉ वगैरह कानूनी प्रावधान जो कि महिलाओं या बच्चों के प्रति होते हैं उनसे दिया जाएगा, और ये आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, और GK आपका 35 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास भूगोल ये 45 नंबर का आपका राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमने बताई दिया शारीरिक दक्षता क्या होने वाली है। ठीक है, ये आपको देखिए रनिंग बताई थी मैंने आपको जो कि आपकी 5 किलोमीटर की होने वाली है। ठीक है, जैसा पुरुष को 25 मिनट, महिला को 35 मिनट, कांस्टेबल चालक के लिए भी सेम। ठीक है, 30 मिनट भूतपूर्व के लिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिए थे नंबर यहाँ पर दिए हैं 30 और 20 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है नोटिस जो है कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे कोई भी जो है डिटेल नहीं है, बट हाँ एक डिटेल और है जो मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पर दक्षता परीक्षा कांस्टेबल बैंड के लिए आपको 30 अंकों की होगी, ठीक है, और 20 अंक का आपका जो है प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखिए, अगर आपके पास एनसीसी वगैरह है तो आपको विजय छूट मिल जाती है, आप ये देख लीजिएगा 11वें नंबर पेज पर आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था हमारा पूरा नोटिफिकेशन, चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हुई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, और आप हमारे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको जो है इसका डिटेल्ड सिलेबस अगर आप बोलते हैं तो डिटेल्ड सिलेबस भी हम आपको लेके आने वाले हैं, जिसमें बताया जाएगा रीजनिंग में क्या पूछेगा, कंप्यूटर में क्या पूछेगा, राजस्थान में क्या पूछने वाला है वो रहेगा, और साथ ही आपको बेस्ट बुक्स भी हम आपको बताने वाले हैं चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।